खत्म हुआ मुमरा गौसा में 3 दिवसीय टीका महोत्सव, पार हुआ 18,000 का लक्ष्य। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शहर की सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड, विपक्ष नेता अशरफ पठान, परिवहन समिति सदस्य शमीम खान, इनके प्रयासों से शहर में 28, 29, 30 अक्टूबर ये 3 दिन टीका महोत्सव के रहे। अमृत नगर नुक्कड़ और तनवर नगर नुक्कड़, इन दोनों जगहों पर 3 दिवसीय टीका महोत्सव का कैंप लगाया गया। भारी तादाद में मुमरा कौसा के लोगों ने यहां पहुंचकर पहला और दूसरा टीका लगवाया। तीसरे दिन समापन पर पहुंचे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ और उन्होंने कहा कि 18,000 से ज्यादा यहां दोनों कैंप में 3 दिवसीय टीका महोत्सव में लक्ष्य पूरा किया गया है। और साथ ही उन्होंने टीके को लेकर फिर एक बार शहरवासियों से अपील। हेमांगी घोड़े, डॉक्टर हेमांगी घोड़े। डॉक्टर चाइमिन लिंगा, डॉक्टर हुसैन बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। आइए सर, आइए जल्दी आइए। साधना जादव, सर साधना जादव। क्या करने के तेरे को कर नहीं करता। अरुण गावड़े साहब, कुछ अगर लेना है तो। अवार्ड साहब, मुमरा कौसा में टीका लेने में लोग कोताही कर रहे हैं, ऐसी थोड़ी सी शिकायत भी थी, प्रशासनिक स्तर पर भी थी। 3 दिन का आप लोगों ने जो है ये टीका महोत्सव कराया है, 2 जगह पर इसका अरेंजमेंट किया गया, कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है सर 3 दिनों में? 11,000 जी, बड़ी जी। सर, टीकाकरण के लिए आगे भी मुमरा कौसा वासियों को क्या अपील करेंगे सर? नहीं, जिन्होंने भी टीका नहीं लिया है उन्होंने तुरंत टीका लेना चाहिए और 80 दिनों के अंदर दूसरा टीका भी ले लेना चाहिए। थैंक यू सर।